दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। और ये जो वीडियो है ये हमारे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर का एपिसोड नंबर 3 है। तो अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए और अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो पर दे दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ा, और उस समय हमने एक तरह के सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ा, और वो जो सोशल डिवीजन था वो जेंडर डिवीजन वाला था। अब हम उससे हटके थोड़ा सा अलग तरीके का सोशल डिवीजन पढ़ेंगे। अब ये जो डिवीजन है ये रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड है। ये जो डिवीजन है ये जेंडर की तरह यूनिवर्सल तो नहीं, बट आप जानते हैं कि आज के विश्व में डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ही व्यापक हो चुकी है। यानी आज के विश्व में अलग अलग धर्मों के लोग हर देश में पाए जाते हैं, और बहुत सारे देश जिनमें इंडिया शामिल है तो इंडिया जैसे देशों की जनसंख्या में अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स होते हैं और लोग सेम रिलीजन से बिलोंग करते हों। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब एक हों, क्योंकि अगर मान लो उनका रिलीजन सेम है लेकिन जिस तरीके से वो अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनमें सीरियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जेंडर डिफरेंसेस से अलग जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उन्हें पॉलिटिक्स की फील्ड में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब हम कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड एग्जांपल्स को कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी कहा करते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। अब रिलीजन से उनका तात्पर्य किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं था जैसे हिंदुइज्म या इस्लाम, बट वो उन मॉरल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे जो सारे धर्म सिखाते हैं। और वो मानते थे कि पॉलिटिक्स को धर्मों में जो भी एथिक्स सिखाए जाते हैं उनके द्वारा ही गाइड किया जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश के ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने ये बात कही है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो कम्युनल रायट्स होते हैं यानी कम्युनल दंगे होते हैं उनके विक्टिम्स ज़्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, और उन्होंने ये मांग की है कि सरकार को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि वुमेन मूवमेंट जो होते हैं आए दिन हमारे देश में और पूरे विश्व में, उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं, जो परिवार वाले कानून हैं, वो वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि सरकार अपने कानूनों को बदले जिससे इन फैमिली लॉज को और ज़्यादा इक्विटेबल बनाया जा सके, जिससे वुमेन भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहे। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे इनमें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक संबंध देखने को मिला है, बट ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा गलत या डेंजरस भी नहीं लगती। अलग अलग रिलीजन से जो आइडियाज़, आइडियल्स, वैल्यू निकलते हैं उन्हें भी शायद पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि लोग एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेम्बर के रूप में अपनी नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो लोग पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं वो कभी कभार रिलीजन को जिस तरीके से प्रीच किया जाता है, जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, उसे भी रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन होता है, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन होता है, उसे रोक सकें। और ये जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं ये तब तक गलत नहीं होते जब तक ये पॉलिटिक्स में हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करें। अब एक नई टर्म के बारे में आप आज सीखेंगे जिससे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम के पहले इसे तो बिल्कुल पढ़ के जाना। ये वाला जो टॉपिक है ये है कम्युनलिज्म का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम शुरू होती है जब धर्मों को ही एक राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म्स में
एक्सप्रेस किया जाता है जब एक धर्म और उसके फॉलोअर्स दूसरे धर्म के फॉलोअर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और ऐसा तब होता है जब एक धर्म के बिलीव्स को दूसरे धर्म की मान्यताओं से ऊंचा साबित किया जाता है, ऊंचा दर्शाया जाता है, और जब एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड्स को दूसरे रिलीजियस ग्रुप की डिमांड के अपोजिशन में बनाया जाता है, और जब स्टेट पावर एक धार्मिक ग्रुप के डोमिनेशन को दूसरे धार्मिक ग्रुप के ऊपर थोपना शुरू करती है, तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम खड़ी होती है। और जब पॉलिटिक्स में रिलीजन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है तो इस चीज़ को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इस आइडिया पर बेस्ड होती है कि रिलीजन ही सोशल कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस है। और कम्युनलिज्म में बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी लोग सोचते हैं। जिन लोगों के कम्युनल माइंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स को एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होने चाहिए, और उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो इररिलेवेंट हैं या कम्युनिटी लाइफ के लिए खतरा है। और जो कम्युनल माइंड्स होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि लोग जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो सेम सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते। वो मानते हैं कि अगर अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स के बीच में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ कॉमनलिटीज़ भी हैं, तो वो सारी सुपरफिशियल एंड इमेटेरियल हैं और बिल्कुल ही ख़राब हैं और उन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अब कम्युनलिज्म जब अपने बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच जाता है ना, तो लोग इस चीज़ में विश्वास करने लगते हैं, मतलब लोग सोचने लगते हैं कि अलग अलग धर्मों से ताल्लुकात रखने वाले लोग एक ही देश में इक्वल सिटीजन्स के रूप में नहीं रह सकते। या तो उनमें से एक धार्मिक ग्रुप दूसरे धर्मों पर डोमिनेट करेगा या फिर उन्हें अलग अलग नेशंस बना लेने चाहिए। लेकिन अगर हम फंडामेंटली सोचें तो ये जो मान्यता है ये बहुत ही ख़राब है। एक धर्म के लोग, मतलब अगर कुछ लोग एक धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटरेस्ट, उनके एस्पिरेशन सेम हों। हर व्यक्ति का अलग रोल होता है, पोजीशन होती हैं एंड आइडेंटिटीज़ होती हैं, और हर एक कम्युनिटी के बीच में, हर एक वर्ग के बीच में अलग अलग आवाज़ें होती हैं, और इन सभी वॉइस को सुनाए जाने का अधिकार है। इसलिए कोई भी अटेम्प्ट जब किया जाता है एक धर्म के फॉलोअर्स को एक साथ लाकर दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने की, तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम खड़ी होती है।